पिपलिया मंडी क्षेत्र के खकराई गांव में हुई घटना के बाद प्रशासन और पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने इलाके में जहां सर्चिंग अभियान चलाया तो वहीं शराब के अवैध अड्डों को जमींदोज भी कर दिया। इधर गृह मंत्री ने भी कड़े शब्दों में कहा कि अवैध शराब बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल गांव खकराई में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत और कई लोगों के बीमार होने के बाद स्थानीय प्रशासन एक्शन में आया। प्रशासन ने यहां सर्चिंग अभियान भी चलाया। पुलिस ने सर्चिंग अभियान में कई जगह दबिश दी तो वहीं अवैध शराब के अड्डों को जमींदोज भी कर दिया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है, अवैध शराब बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सतत चलने वाला अभियान है। जहरीली शराब के मामले में जो आरोपी के यहाँ, एक के यहाँ से जो बोतल मिली है घनश्याम के घर से, उसमें लेबल लगा था, तो यहां से थोड़ा भ्रम पैदा हुआ है कि ठेके का है या अवैध वाला कच्ची शराब का मामला है, लेकिन उसे पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। एक व्यक्ति ठीक होके घर चले गए हैं, 3 लोग काल कवलित हुए हैं, अभी 3 और भर्ती हैं। टीआई शिव कुमार जी को निलंबित किया है, एएसआई को किया है, आबकारी अधिकारी को भी कलेक्टर ने वहां पर निर्बंध। ये जितने भी प्रदेश के अंदर अवैध शराब वाले हैं, छांट छांट के चुन चुन के किसी को भी नहीं बख्शेंगे इसमें। चलिए आपको सुनवाते हैं इस मामले में कलेक्टर मनोज पुष्प और एसपी सिद्धार्थ चौधरी का क्या कुछ कहना है। अभी शाम को एक खबर प्राप्त हुई थी कि खकराई गांव में कुछ लोगों की मृत्यु हुई है और ये बताया गया था कि शराब पीने से उनकी मौत हुई है। तत्काल ही पुलिस बल यहां पे आया, हम लोग भी यहां पे आए हैं और ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने यहां पे स्थानीय स्तर पे कुछ शराब खरीदी है और उसे पीने के बाद तबीयत खराब हुई, तो उसमें 3 लोगों की मृत्यु होने की सूचना मिल रही है। 2 लोगों की जो वो बीमार पड़े थे उसमें से 1 घर लौटा है, 1 अभी जिला अस्पताल में है। इस संबंध में पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है कि कहां से इन्होंने शराब खरीदी और किनके द्वारा लाया गया है, शराब वास्तव में जहरीली थी या नहीं थी, इसके संबंध में हम पूरी तरह से विवेचना कर रहे हैं। सर, कहीं के इस क्षेत्र में अवैध शराब ज़्यादा खरीदी जाती है, जहरीली शराब का कई मामले भी प्रकरण दर्ज होते हैं। बॉर्डर का गाँव है, सूचना निश्चित रूप से मिलती रहती है और समय समय पर पुलिस द्वारा यहाँ दबिश भी दी गई है। जिस व्यक्ति द्वारा यहाँ शराब बेचना बताया गया उसके यहाँ भी पुलिस द्वारा दबिश दी गई थी, परंतु दुर्भाग्यवश पुलिस को यहाँ पे ऐसी कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन न होने से यहाँ पे शराब जब्त नहीं हो पाई थी। हमारी निगाह सब पे और हम लोगों ने अभी अभियान भी चलाया था, इसमें पुलिस द्वारा अधिक से अधिक कार्रवाई की भी गई। नहीं, जिस व्यक्ति का नाम सामने आया है वो अभी घर पे मौजूद नहीं है, पुलिस द्वारा से तलाश की जा रही है। इस पे हम व्यवस्था कर रहे हैं और जैसे स्थिति बनी उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी सूचना मिलने के बाद हम और एसपी साहब यहाँ आए हैं, इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और क्योंकि अभी तुरंत ही हम लोग आए ही हैं तो पूरे पहलुओं पर जांच करने के बाद फिर आपसे चर्चा करेंगे। जो बताया गया है कि परसों इन लोगों ने शराब पी थी और कल इनकी कोई 1-2 लोगों की तबीयत खराब हुई थी, 1 लोग ठीक भी हो गए हैं, 1 जिला अस्पताल में भी है। पूरे पहलू पर जांच कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद फिर आपको विस्तार से। दोषियों पर किस तरह कार्रवाई की जाएगी? सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहरीली शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि शराब पीने के बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और खून की उल्टियां हुई, जिसके बाद वे इलाज करवाने के लिए अस्पताल आ गए। उन्होंने कहा कि शराब जहरीली थी जिसके कारण 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 1 क्वार्टर बिदो माने 2 बहन अंतिम तबीयत बढ़ी थी। कब पिया था शराब और कब? परसों रोज पीता, सुबह में, कल सुबह में भी थी। क्या हुआ था? ये तबीयत खराब हुई थी, उल्टी भी, खून की उल्टी भी थी, फिर बस इलाज कराना ही है। कितने दिन से तबीयत खराब रही आपकी? या 2 दिन ही गया, आज भी थी बड़ा बार, फिर पिपले गया तो इलाज कराना ही। आपके मानते शराब पीने से आपकी तबीयत बिगड़ी? हाँ, शराब पीने से। शराब क्या लगता है, शराब नकली थी, जहरीली शराब थी क्या? जहरीली थी, मैं घर से डिवान है इधर दोनों शराब। कहाँ से लाए थे शराब? नेपाल से लाया था, पिंटू वहाँ। गाँव में शराब पीने से 3 जनों को देख के भी जानकारी मिलती, क्या कोई मरी भी है शराब पीने से? हाँ, 2 मरी है, 3 मरी है, शराब थी मरिया। तो क्या मानते हैं गांव में शराब नकली शराब बिक रही? अब नकली या असली तो आप ही नहीं की जाएगा। शराब पीने से तबीयत खराब तो नकली है? नकली से बेगा सर। तो आप चाहते हो लगाम लगे इसके नकली शराब पे बिकना बंद कर दो और क्या?
देखा जाए तो जहरीली शराब ने जहां तीन लोगों की जान ले ली, तो वहीं अब प्रशासन पुलिस अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, मंदसौर।